अब टॉलीवुड हो या हॉलीवुड, सभी के सभी लेजेंडरी एसएस राजामौली की नेक्स्ट गोल्डन हिस्ट्री क्रिएट करने वाली मूवी एसएसएमबी 29 मूवी का जमाने जमाने से वेट कर रहे हैं। तो इसी चीज पर फोकस करते हुए फाइनली ग्लोबल फैंस और ऑडियंस के लिए एसएसएमबी 29 मूवी की तरफ से ये गुड न्यूज निकल कर आई है कि इस एनर्जेटिक स्मैशी मूवी के ऑफिशियल टाइटल को एक यूनिवर्सल नाम के साथ अनाउंस किया जा रहा है। तो सीधी पॉइंट की बात करते हुए एसएस राजामौली और महेश बाबू के किलर कोलैबोरेशन के अंदर बन रही एसएसएमबी 29 मूवी की सबसे बड़े बड़े अपडेट्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर मूवी के ऑफिशियल टाइटल को लेकर अपडेट निकल कर आई है। अब क्योंकि चटपटे नॉट ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये निकल कर आ रहे हैं कि एसएसएमबी 29 मूवी का ऑफिशियल टाइटल गोल्ड हो सकता है, जो 69% के साथ एक कंफर्म टाइटल होने वाला है इस फिल्म का। और लॉजिकली भी देखा जाए तो जिस तरीके का एसएसएमबी 29 मूवी का जॉनर है, द मार्वेलस एक्शन एडवेंचर, जिसके गूज़बम देने वाले ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर के अंदर जिसमें डेफिनेटली बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में एसएसएमबी 29 मूवी का गोल्ड टाइटल होना मूवी के ब्लडी जॉनर को टोटली जस्टिस देता है। और दूसरा लॉजिक देखा जाए तो गोल्ड ये टाइटल या कहूँ ये वर्ड एक यूनिवर्सल वर्ड है। तो अब क्योंकि एसएस राजामौली एसएसएमबी 29 मूवी को पूरे ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो मूवी का गोल्ड ये टाइटल एक परफेक्ट कैची टाइटल होगा जिसमें बिना किसी कंफ्यूजन के साथ ग्लोबल ऑडियंस इस चीज से कनेक्ट कर पाएगी। हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है, बट 90% के साथ एसएस राजामौली के एसएसएमबी 29 मूवी का टाइटल ऑफिशियल द गोल्ड हो सकता है। वही एसएसएमबी 29 मूवी की दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करूं तो जो भी बंदा एसएस राजामौली के एसएसएमबी 29 मूवी को एकदम स्क्रैच से फॉलो कर रहा है, वो बंदा डैम श्योर जानता है कि मूवी के अंदर महेश बाबू का कैरेक्टर मेटाफोरिकली बजरंगबली हनुमान से हेविली इंस्पायर होगा। इसलिए बंदे का लुक मूवी के अंदर किस तरीके का होगा, इसके लिए बंदे की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर फेशियल लुक तक को सीक्रेटली पूरे कॉन्फिडेंशियल के साथ छुपा के रखा जा रहा है। तो मुद्दे से ना भटकते हुए पॉइंट की बात ऐसी है कि अब ये बात सभी को पता है कि एसएस राजामौली की फिल्मों के हीरो तो तगड़े होते हैं, पर उनसे भी खूंखार और डेडली बंदे के मॉन्स्टर फिल्मों के बैडस विलन्स होते हैं। काल के भल्लाल देव इसके एक टॉप नॉच एग्जांपल्स है। तो ऐसे में 1000 करोड़ के डायनासोर बजट में बन रही एसएसएमबी 29 मूवी के अंदर भी एक ऐसा मर्सीलेस विलन तो हमें देखने को मिलेगा ही, जो मूवी के लीड कैरेक्टर के नाक में दम करके रखेगा पूरी मूवी के अंदर। और इस सुपर विलन या कहूं एंटागनिस्ट के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सबसे बड़ा नाम आगे निकल कर आ रहा है, द गोट लाइफ फेम पृथ्वीराज सुकुमारन का, जो एसएसएमबी 29 मूवी का सबसे प्रॉपर सबसे मेन सुपर विलन होने वाला है। और इसके अलावा इस बैडेस्ट कैरेक्टर को लेकर रूमर्स ये भी निकल कर आ रहे थे कि मे बी चियान विक्रम एसएसएमबी 29 मूवी के अंदर लीड विलन के कैरेक्टर को प्ले कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस रूमर के अंदर अगर 2% की भी सच्चाई है तो भाई सब एसएस राजामौली के बाद चियान विक्रम ही वो सबसे बड़ा रीजन होगा जिसके लिए मैं एसएस राजामौली के एसएसएमबी 29 मूवी को बिग स्क्रीन के ऊपर देखना चाहूंगा। क्योंकि अगर एसएसएमबी 29 मूवी के अंदर विक्रम ये बंदा विलन बनता है तब डेफिनेटली बंदा अपने परफॉर्मेंस पूरी मूवी को कच्चा चबाते हुए वर्ल्ड सिनेमा को एक नए आइकॉनिक सुपर विलन के कैरेक्टर को डिलीवर करेगा। अब इन सारे रूमर्स और अपडेट्स के अंदर कितनी ज्यादा सच्चाई है, क्या सच में एसएस राजामौली की एसएसएमबी 29 मूवी का ऑफिशियल टाइटल गोल्ड ही होगा, साथ ही पृथ्वीराज सुकुमारन और चियान विक्रम में से वो कौन सा एक्टर होगा जो इस मूवी का सबसे बड़ा विलन बनेगा, इन सारे सिनेमैटिक मिस्टीरियस बॉम्ब का आंसर अगस्त के मंथ में हमें डेफिनेटली मिलने ही वाला है। वैसे अगर एसएसएमबी 29 मूवी के अंदर अगर तुम किसी अपने फेवरेट एक्टर को एज अ विलन कास्ट करना चाहते तो किसे करते, इस पर अपने ऑनेस्ट ओपिनियन पूरा भावनाओं में बहते हुए कमेंट करके बता सकते हो।